गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम मैं विजय सर, सरदार इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तला वाराणसी, आज मैं कक्षा 10 के हिंदी सूरदास जी के पद का 10वीं पद की व्याख्या हम आपको बताएंगे। आइए हम 10वीं के पद की को हम पहले पद को पढ़ लेते हैं। दसवां पद है, देखिए है, इसको पढ़ लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाए सौदे बुझती सांच नहासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन वेश है कैसो की रस मैं अभिलाषी। पावे गौ पुन कियो आपनो रे जौरे करोगे गासी। सुनत मौन हवे रहो बाबरो सुर सबे मति नासी। ये पद है, आइए हम इसके सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। देखिए इसका शब्दार्थ है, निर्गुण माने होता है निराकार, वासी माने निवासी, रहना जहाँ रहते हैं, मधुकुर माने भंवरा होगा, सौ माने सौगंध, सौगंध खाकर जैसे कसम शपथ खाते हैं, बरन माने रंग, अभिलाषी माने इच्छुक चाह, गासी माने छल कपट, बावरो माने पागल, अन्नासी माने समाप्त हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। यह शब्दार्थ है। आइए हम आपको संदर्भ पहले भी बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के सूरदास जी के पद नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता वात्सल्य श्रृंगार के सम्राट कवि सूरदास जी हैं। और प्रसंग है, यहाँ जब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देते हैं, गोपियाँ क्रोधित हो जाती हैं ज्ञान लेते लेते, तो उद्धव जी से ही उल्हना करते हुए उन्हीं के ऊपर आक्रमण करती हुई कह रही हैं, उन्हीं से पूछने लगती है कि आप लगता है कि बीच में कहीं उल्टा सीधा भूल के आए हुए हैं, आपको श्री कृष्ण नहीं हो, उनके घर पता इत्यादि को पूछने लगती हैं। आइए देखते हैं व्याख्या। निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह जो आप बार 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 आप निर्गुण निर्गुण कहते हैं, यह निर्गुण जो ब्रह्म है कौन देश को वासी, वह किस देश का निवास करने वाला है। मधुकर, मधुकर माने भौरा भी होता है, कहीं समझाए सौदे बुझती सांस न हंसो, यह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अरे श्लेष अलंकार, क्योंकि मधुकर में भौरा भी होता है और मधुकर माने मीठा भी होता है, उद्धव जी भी होते हैं। मधुकर कहीं समझाए सौदे बुझती सांस न हंसो, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम लोग अपनी सौगंध दे करके आपसे बार बार पूछ रही हूँ, आप जो भी पूछ रही हूँ उसको आप सच सच बताइएगा, उसे हंसी नहीं समझिएगा। और कहती हैं, कौ है जनक, हे उद्धव जी, जो आप बार बार ये निर्गुण निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म की बात कहते हैं, उसके पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माँ कौन है, कौन नारी उसकी पत्नी कौन है, को दासी उसकी दासी कौन है, कैसो वरन उसका रंग कैसा है, भेष है कैसो उसका, रूप कैसा है, कि रस के अभिलाषी वह किस रस का इच्छुक है या किस रस का चाहने वाला है। पावेगे पुनि कियो आपने जोरे करोगे ग्यासी, यदि हे उद्धव जी, यदि आप हम लोगों के साथ कासी मैंने छल कपट करेंगे, तो आप जैसा करेंगे उसी के अनुसार ही आप अपना क्या करेंगे, फल पाएंगे। सुनत मौन हवे रहे बाबरो सुर सबे मति नाती, सूरदास जी कहते हैं कि यह गोपियों के मुख से यह बात सुनते ही उद्धव जी, सुनत हवे रहे बाबरो
सुरदी गोपियों के मुख से यह बात सुनते ही एकदम बावले एकदम पागलों के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उद्धव जी की सारी जो मति है, बुद्धि है, एकदम ऐसे लगता है कि सब एकदम नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वे शून्य हो जाते हैं, ऐसा उनकी बुद्धि हो जाती है। इस तरह से इसकी व्याख्या यह समाप्त हुआ। आइए हम इसके शब्दार्थ काव्यगत संदर्भ को देख लेते हैं। काव्यगत संदर्भ है इसकी वही है, भाषा ब्रज ही रहेगा, गुण माधुर्य है, छंद गेपद ही रहेगा, शैली मुक्तक होगी, रस वियोग एवं हास्य दोनों होगा, वियोग भी है एवं हास्य भी है। पूछ रही उनके माता पिता कौन है, कोई ब्रह्म का कोई माता पिता थोड़ो होता है, इसलिए हास्य भी है। अलंकार में देखिए अनुप्रास भी है, अनियुक्ति बात कहीं और कहीं जा रही है और सोचा और कहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ अनियुक्ति अलंकार भी होगा। इस तरह से दसवें पद की व्याख्या आज इस वीडियो के माध्यम